अंदर से जब खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तो हमारा पूरा नजरिया, जैसे आपने कहा, नजरिया बदलना पड़ता है, क्योंकि आप चीजों को तो नहीं बदल सकते। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम दो तीन लोग अगर साथ में एक ही सिचुएशन में बैठे होते हैं, मैंने देखा एक दो जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली ग्रम्बल कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा हुआ, अरे ये भी ऐसा होगा, कैसा होगा, व्हाई आर यू एंजॉयिंग द सिचुएशन, लेट इट बी ना, रिलैक्स करो और जो चीज हो रही है उसको एक्सेप्ट करके, इज ऑलवेज समथिंग टू बी पॉजिटिव अबाउट। तो ये पॉजिटिविटी हम अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें। और मेरा एक्सपीरियंस ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स के साथ काफी, जितना मैं वक्त देना चाहती हूँ उतना शायद नहीं दे पा रही हूँ, बट जब भी उनसे मिलती हूँ इतने अपने आप को पॉजिटिव और प्यार से भर के, जो बोलते हैं आपका जो घड़ा पूरा भर जाता है प्यार और पॉजिटिविटी से, वो लेके घर जाती हूँ और उनकी याद बहुत रहती है। संजय भाई आई थिंक बहुत साल पहले उन्होंने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ब्रह्म कुमारी सिस्टर से, मैं पार्लर सेंटर में जाती हूँ जब मौका मिलता है। बट मुझे एक चीज देखी है कि पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, उनका आप उनसे ये साथ लेके जाइए और उनसे जरूर जिसको भी मौका मिले आप राजयोग सीखने की कोशिश करिए, उसमें आपको जरूर फायदा होगा। और ये बात आप जब एक बार खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आप सबसे शेयर करना चाहेंगे। सालों से ब्रह्म कुमारीज के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ और उनके सेंटर में जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया और मैं बहुत खुशी से इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि आज इस इंटरनेशनल योग दिवस पे सबसे उनका मैसेज बहुत मीनिंगफुल है और मैं उनके माध्यम से लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहती थी कि हमें अपने आप पे और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और योग, राजयोग बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हम हर चीज़ में अपने आप को मसरूफ़ पाते हैं, खाली इस चीज़ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो अगर निकालेंगे तो हम सबको फ़ायदा होगा, हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मन की शांति ही तो है जो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं।